एरिया अंडर कर्व और मॉडुलस का क्वेश्चन देखते ही आपका क्या हल होता है कमेंट में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मॉडुलस और एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन को देखते ही स्किप मार देते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से लगा लिया, कम से कम आप स्किप मारना बंद कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। पिछले सालों में कैट में क्वेश्चन आया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू टू, एरिया अंडर कर्व बताएंगे, इसका आंसर है ए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ये क्या बनता है, ये बेसिकली फोर इक्वेशन बन जाएंगे, क्योंकि x पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारी ऐसे चार इक्वेशन बन जाती हैं जो कि यहां से हमारे को एक एरिया अंडर कर्व देती है। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इसका एरिया क्या हो गया भाई, इसका एरिया हो गया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब ये ऐसे 4 पार्ट हैं तो इंटू 4 कर दिया, तो टोटल एरिया मेरा जो आ गया 8 आ गया। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, अगर ये ए हो जाए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए तो ट्वाइस ए स्क्वायर हो जाए। ये इस कॉन्सेप्ट का मॉडिफाइड वर्जन है। तो मॉडिफाइड वर्जन में क्या है भाई, आपका यहां कुछ कोफिशिएंट है, यहां कुछ कोफिशिएंट है और यहां वन भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर वाई जीरो हो जाएगा तो एक्स मेरा क्या आ गया, प्लस माइनस थ्री आ गया, तो मतलब यहां पे और यहां पे आएगा। अगर मेरा एक्स जीरो आ गया तो वाई प्लस माइनस टू आ गया, यहां पे और यहां पे। तो ये जो बनेगी मेरी शेप, ये एक रोम्बस की शेप बनेगी, जिसमें मेरा ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसका एरिया मेरा हो गया 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, इसका एरिया 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, तो टोटल एरिया हो गया मेरा 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे करना है वो भी सीख लीजिए फटाफट। 2 मॉड एक्स 3 मॉड वाई इज इक्वल टू 6, 6 से इसको डिवाइड कर दो तो मॉड एक्स अपॉन 3 प्लस मॉड वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये अगर हम देखें कि एक स्ट्रेट लाइन में हम इक्वेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन की, उनमें से एक ये फॉर्म है जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, तो ये 3 और 2 इसके इंटरसेप्ट आ गए, इसका आंसर सीधा सीधा आपका आ जाएगा कि अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं मॉड एक्स अपॉन ए मॉड वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, माई एरिया अंडर कर्व विल बी 2ab, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 12 स्क्वायर यूनिट। जिनको ये क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छी बात है, और मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं कि अगर यहां माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, ये कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि अगर यहां पे माइनस होगा तो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, जेट लेवल क्वेश्चन है, कैट में यूजली ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जाता इस लेवल का, बट फिर भी अगर यहां माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जरूर बताइएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग द कैट क्वेश्चन सीरीज एंड यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड दिस चैनल, बट ये चैनल को शेयर करना और फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें है आपके लिए लॉट ऑफ कंटेंट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट।